आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशातारिणे मंशाकल्पतरूपेश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देविकी नंदनाय च नंद गोपर कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृता तृप्तस्य नान्यत्र शाद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान ब्रजेश कनियस्तन धाम वृंदावन रम्य काचिदुपासना ब्रज वधूवर्गेण या कल्पितम्। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार्थमः श्री चैतन्य महाप्रभुः मतम इदं तत्राधरो न परम्। मूकं करोति वाचालं अंगूलं घ्रियते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध से के तीसरे अध्याय से पढ़ रहे थे, श्री शिव तथा सती का संवाद। इसमें हम भगवान वाच शिव जी जो है, यहाँ पे शिव जी को भगवान तरीके से भागवत में संबोधित किया, क्योंकि वास्तव में भगवान के गुणावतार हैं। तो जब सती ने उत्सव में अपने पिता के यहाँ जाने के लिए शिव जी से आज्ञा मांगी, हालांकि उनके पिता ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन सती का पॉइंट था, सती का कहना था कि मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं है, सती का था। तो उस समय शिव जी ने, हमने कल श्रवण किया था, शिव जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यद्यपि उस समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म यदि शब्द स्मरण हो पाए थे, जो प्रजापति ने द्वेषपूर्वक कहे थे। तो इसमें शिव जी कहते हैं सती से, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जा सकता है, सच है, किंतु जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष निकाले और उस पर क्रोध न हो, यद्यपि शिक्षा, तप, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये छह गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है और इस प्रकार वो सद्ज्ञान खो बैठता है, वो महापुरुष की महिमा को स्वीकार नहीं करता। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर न जाए, भले उसका संबंधी और मित्र हो न क्यों न हो, जब वो मन से क्षुब्ध हो और अतिथि की तनी हुई भ्रुकुटियों से हम क्रुद्ध नेत्रों से क्यों न देख रहा। ये कल हमने श्रवण किया था, आज उसी के आगे हम 19वें श्लोक से श्रवण करेंगे। तथारिभिन व्यथेशलि मुखे हृदये दुयता स्वनाम यथा वक्रध्याम दुरु दुरुक्ति भिदिवानिशम तप्यति मर्म दिवानिशम तप्यति मर्म ताडित। शिवजी ने कहा, यदि शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होगी जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि वो पीड़ा दिन रात हृदय में चुभती रहती। तो यहाँ शिव जी को इसका अनुभव हो रहा है, इसलिए शिव जी बोल रहे हैं, यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती, क्योंकि वो पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती। ये शिव जी अपने रियलाइजेशन, अपने साक्षात के आधार पर कर रहे हैं, ये उस घटना को याद किए हुए हैं अभी शिव जी। तात्पर्य हो सकता है कि सती ने सोचा हो कि वो अपने पिता के घर जाने का दुस्साहस करेगी, और यदि उसके पिता कटु वचन भी कहते हैं तो सह लेगी। जिस प्रकार कभी कभी पुत्र अपने माता पिता की झिड़कियों को सह लेता है, लेकिन शिवजी ने उसे स्मरण दिलाया कि वो इतने कटु वचन नहीं सह पाएगी, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि भले कोई अपने शत्रु के द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा को सह ले, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि शत्रु तो पीड़ा पहुंचाएगा, किंतु जब कोई व्यक्ति अपने संबंधी या स्वजनों के कठोर वचनों से आहत होता है तो उसे उसकी पीड़ा दिन रात बनी रहती है, और कभी कभी पीड़ा इतनी असहनीय हो जाती है कि वो व्यक्ति जो है अपना शरीर खत्म करने का प्लान करता है। ये शिव जी पार्वती को, सती को कह रहे हैं, ये प्रसन्न भाई का आधार। आगे बोलते हैं, व्यक्तम तमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रिया आत्मजानम अशिश्रुभो मे मता तथापि मानम न पितु प्रपत्यसे मता श्रियात् परितप्यते यत। इसके बाद शिवजी सती से बोलते हैं, हे श्रमांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो,
तो भी तुम उसके घर में सम्मानित नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उल्टे तुम्हें दुख ही होगा कि वो मुझसे संबंधित है। तो शिव जी ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि सती अपने पति के बिना अकेला जाना चाहे तो भी उसका ठीक से सम्मान नहीं होगा क्योंकि वो उनकी पत्नी जो ठहरी, भले वो अकेले ही क्यों न जाए, अनहोनी की प्रबल संभावना है। शिव जी यहाँ घटना को प्रदर्शित करते हैं कि कोई अनहोनी की प्रबल संभावना, क्योंकि शिव जी तो त्रिकालदर्शी, सबको जानते हैं। अतः शिव जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली सती को अपने पिता के घर न जाने का आग्रह किया। पाप चिमाने हृदय समृद्धि पुरुष बुद्धि साक्षिणाम अकल्पयेषाम अधिरोध मंजुषा परम पदम देश यथा सुरा हरि। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित एवं सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। स्वरूप सिद्ध पुरुष मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त, उनके ऐश्वर्य को भौतिकतावादी सहन नहीं कर पाता, क्योंकि भौतिकतावादी सोचता है तो मैंने तो इतना रात दिन मेहनत किया, और ये स्वरूप सिद्ध पुरुष जो है भगवान का भक्त, इसको सारी चीजें इजीली मिल गई। मैंने तो जिस चीज के लिए इतना रात दिन प्रयास किया, ये जो भक्त लोग हैं तो ऐसे ही कर। तो आत्म साक्षात के पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से ईर्ष्या करता है। दक्ष पूरी तरह से भौतिकतावादी था, वो सोचता है कि शिव जी के पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतना सेटिस्फाई कैसे रहते हैं, इतना संतुष्ट कैसे रहते हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं अपना। तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन और इंद्रियों से संतापित रहता है, वो स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता है। आत्म साक्षात करके पद तक उठने में अक्षम होने से वह ऐसे पुरुषों से उसी प्रकार ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ये भौतिकतावादी व्यक्ति, क्योंकि भौतिकतावादी इसलिए उसको सब जगह तुलनाएं करना है, कौन कौन सेटिस्फाइड है, कौन कौन सेटिस्फाइड नहीं है। अगर कोई जैसे ईर्ष्या करता है वो सेटिस्फाइड नहीं, तो उसे प्रसन्नता होगी, और जिससे प्रेम करता है उसको अगर कुछ होगा तो उसे दुख होगा। क्योंकि भौतिकतावादी व्यक्ति वो इस भौतिक जगत में सबसे अपना अपना तुलना करता रहता है, जबकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो भगवान के उसमें इतना व्यस्त रहता है कि इसको तुलना करने का समय नहीं मिलता कि कौन मेरे से ज्यादा संतुष्ट है और कौन मेरे से कम संतुष्ट है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उसको अपनी संतुष्टता से दूसरे की संतुष्टता की क्या तुलना करनी। हर कोई व्यक्ति भगवान की कृपा से कोई संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो इस प्रकार से ईर्ष्या नहीं करेगा, लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो सबसे तुलना करेगा और ये पता करने की कोशिश करेगा कौन कितना संतुष्ट है, कौन कितना असंतुष्ट है। वो ऐसे पुरुषों से इस प्रकार जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं उनसे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि वो उस पद तक उठने में अक्षम है, वो स्वरूप सिद्धि के पद के उठने में अक्षम है, आत्म साक्षात के पद तक उठने में अक्षम होने से वो ऐसे पुरुषों से ईर्ष्या करेगा जिस प्रकार असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। असुर प्रवृत्ति के लोग हमेशा ही भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हमेशा। तो यहाँ पर शिवजी तथा दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया। तो ऐसा नहीं कि भगवान के शत्रु नहीं होते, भगवान के भी शत्रु होते हैं। हालांकि युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु बोला जाता है, युधिष्ठिर महाराज का स्वयं का शत्रु नहीं है, स्वयं नहीं बनाते शत्रु, लेकिन जो है बाकी लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, शत्रु बन जाते हैं। वो तो युधिष्ठिर महाराज जैसे अजात शत्रु के हाथ में नहीं, ऐसे शिवजी तो परम वैष्णव है, शिवजी क्या किसी से शत्रुता करेंगे। लेकिन अगर बाकी व्यक्ति संसार जो है दक्ष जो प्रजापति से भौतिकतावादी वो उनसे ईर्ष्या करते हैं और शत्रुता रखते हैं, तो इसमें शिवजी क्या कर सकते। तो शिवजी मध्य दक्ष के मध्य शत्रुता का वास्तविक कारण बताया गया। दक्ष शिवजी से ईर्ष्या करता था,
क्योंकि शिव जी भगवान के गुणावतार है। और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें अच्छा पद प्राप्त। दक्ष ने सम्मान नहीं दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता शिव जी को। शिव जी का तो अपना एक पद है, शिव जी तो परम वैष्णव का पद है, वो तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, लेकिन दक्ष उनको चेयर नहीं देना, दक्ष उसको सम्मान नहीं देना चाहिए। क्यों? तो इसके अनेक कारण थे। भौतिक रूप से गर्वित होने के कारण दक्ष द्वारा शिव जी का उच्च पद सहन नहीं किया जा सके। इनका सब लोग इतना आदर क्यों करते? अतः उसकी उपस्थिति में शिव का न खड़े होना इसमें क्रोध का अंतिम प्रकट है। अतः उसमें करना शिव जी के क्रोध, उसका क्रोध का अंतिम, क्योंकि वो द्वेष करते 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 वो सोचता है ये ऊंची पद पे इसको शिव जी को सम्मान दे रहे हैं सब लोग। दक्षेशन या दक्षिण के कि मेरी भी तो ब्रह्मांड में इतनी बड़ी पोजीशन बनी है ब्रह्मांड में, दक्ष तो मैं, सारे भौतिकतावादी काम तो मेरी आज्ञा से होते हैं, मैं दक्ष हूं, एक्सपर्ट हूं। तो जब उसको उपस्थिति में नहीं कर पाया तो फिर वो क्रोध आ गया उसका। तो इसलिए शिव जी बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरे से द्वेष है इसलिए मेरे से संबंधित हर व्यक्ति से द्वेष होगा, मेरे से ईर्ष्या है इसलिए मेरे से संबंधित हर व्यक्ति से ईर्ष्या होगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी वो ईर्ष्या या क्रोध कर सकते क्योंकि तुम मेरे से संबंधित। जिसे हमें किसी व्यक्ति से दोष हो या कर तो उससे संबंधित हर व्यक्ति से द्वेष होगा या ईर्ष्या होगी और हम अपना क्रोध प्रकट करेंगे। शिवजी तो सदैव ध्यान मग्न रहते थे और परमात्मा का साक्षात्कार करते थे, जैसे कि यहाँ पर पुरुष बुद्धि साक्षिणी शब्दों से सूचित होता है। जिसकी बुद्धि निरंतर भगवान के ध्यान में डूबी हुई है उसका पद तो अति उच्च रहता है, वहां से गिरने का सवाल नहीं उठता, उसके कोई नकल नहीं कर सकता उस पदवी। विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तो बिल्कुल नकल नहीं कर सकता है। जब दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ तो उस समय शिव जी ध्यान मग्न थे और हो सकता है कि उन्होंने प्रवेश करते देखा ना, किंतु दक्ष ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें शाप दे डाला, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद पॉसिबिलिटी बता रहे कि जब शिव जी नहीं खड़े हुए तो एक तो है कि उनकी पदवी तो भगवान के रूप में ब्रह्मा से पूछे, ब्रह्मा ही नहीं खड़े हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी को क्यों नाराज नहीं हुआ? ब्रह्मा जी के ऊपर उनके संबंधी थे, ब्रह्मा जी पिता थे, शिव जी के ऊपर नाराज हो रहा है, शिव जी के ऊपर, जबकि शिव जी की पोजिशन ब्रह्मा जी से ऊपर है। ब्रह्मा जी से इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्मा जी उससे संबंधित, केवल शिव जी के प्रति अपना, क्योंकि वो शिव जी को प्रारंभ से ही जो है वो द्वेष करता है, शिव जी का स्टेटस देख कि शिव जी के पास कुछ भी नहीं, और ये नंग धड़ंग रहते हैं, हमेशा भूत और पिशाचों के साथ में रहते हैं। इस प्रकार से जब यज्ञ दक्ष यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ था उस समय शिवजी ध्यान मग्न थे, और दूसरा कारण बताते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति की तरफ ध्यान देने का, अगर कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, लेकिन दक्ष ने इस अवसर का, क्योंकि उसको ईर्ष्या तो थी सही और क्रोध आ गया। हम यही देखते हैं कि परीक्षित महाराज ये पिता ने जो है वो ध्यान में थे, उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन उसके पुत्र ने श्राप दिया, संगी ने श्राप दिया, ईर्ष्या, क्योंकि उसके पास पावर थी श्राप देने की। इसी प्रकार यहाँ पर दक्ष के पास भी पावर थी श्राप देने की, उन्हें श्राप दे डाला, क्योंकि वो लंबे समय से शिव के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए हुआ था, जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है। वे प्रत्येक प्राणी को भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं, उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं होता है। तो एक भक्त उदाहरण देते हैं कि जो कृष्ण के भक्त है वही अपने हैं और बाकी सब पराए हैं,
क्योंकि अगर हम मानते हैं कि कृष्ण अपने हैं, हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, कृष्ण मेरे हैं या मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का हूं या कृष्ण मेरे हैं, अगर हम ये सारी प्रार्थनाओं में किसी न किसी तरीके से आता है। क्योंकि जैसे हम तुलसी महारानी कहते हैं कि मोर अभिलाष दिए, मोर अभिलाष मुझे वृंदावन का वास दो, तो मेरी अभिलाष है कि वृंदावन का वास दो। वृंदावन का वास मतलब कृष्ण का संबंध, कृष्ण का संबंध है तो कृष्ण से संबंधित व्यक्ति को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तो कृष्ण संबंध पूरा हुआ। ऐसा नहीं हम कर सकते कि कृष्ण से संबंध करें, कृष्ण को अपना माने और कृष्ण संबंधित व्यक्ति को अपना शत्रु माने या उनसे ईर्ष्या करें, ऐसा कैसे संभव? क्योंकि इसी भागवत में आता है कि कृष्ण कृष्ण का मतलब, उसमें लिखा विष्णु का मतलब है विष्णु और उनसे संबंधित वस्तु और व्यक्ति। अगर विष्णु को भगवान मानते, विष्णु को अपना मानते तो उनके व्यक्ति और उसके अलावा बाकी सब पराये हों। अगर कृष्ण या विष्णु को अपना मानते, अगर कृष्ण विष्णु में पराये हैं तो उनसे संबंधित व्यक्ति सारे पराये हैं। तो यहां पे जो वास्तव में स्वरूप से प्रत्येक प्राणी को भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। जब कोई देह का सम्मान करता है तो भौतिक शरीर का नहीं अपितु तो परमेश्वर के अस्तित्व का आदर करता है। इस प्रकार जो परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है वह उन्हें सदैव नमस्कार करता रहता है। किंतु तो दक्ष अधिक जागृत नहीं था, इतना महान पोजिशन मिल गया था लेकिन जागृत नहीं था। वह सोचता था कि भौतिक देह को नमस्कार, भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है। भौतिक देह को सम्मान ही नमस्कार है या भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, तो इस संसार में तो जब कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर जाता है तो हजारों लोग उसको सलाम करते हैं, कोई मिनिस्टर को हजारों लोग सलाम करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सम्मान करते हैं, वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हजारों लाखों, जबकि क्योंकि मिनिस्टर अपनी पोजीशन से हट जाता है तो हार्डली कोई एक दो दिखता है। अगर सम्मान करते हैं तो सभी लोग होते हैं, अगर सम्मान करते हो तो सारे लोग होते हैं। नमस्कार सबने किया, हजारों लोग नमस्कार किया जब तक जब वो मिनिस्टर था, लेकिन जरूरी नहीं कि सम्मान कर रहे, नमस्कार तो कई कारणों से हो सकता है। नमस्कार कई कारणों से हो सकता है, पदवी के कारण हो सकता है, भाई के कारण हो सकता है, किसी चीज से। तो नमस्कार करना मतलब सम्मान नहीं तो, लेकिन ये क्या सोच रहा था दक्ष कि भौतिक देह को नमस्कार ही सम्मान है, यही यहाँ पे गलती कर। तो हम प्रैक्टिकल उदाहरण भी देखते, कोई बहुत पावरफुल ये हो तो नमस्कार सब लोग करेंगे, सम्मान जरूरी नहीं करेंगे। ये तो जब पदवी छीन जाने पे पता लगेगा कि कितने लोग उसका नमस्कार अभी भी कर रहे हैं उनके, इसका मतलब वो अभी बिना किसी फोर्स के करें उनका रेस्पेक्ट। लेकिन भक्ति के केस में ऐसा उल्टा, भक्ति की तो कोई भौतिक पदवी तो होती नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि जितना बड़ा भक्त होता जाता है उसको नमस्कार करने वाले उतने बढ़ते जाते हैं। इसको कोई फोर्स नहीं, कोई पदवी नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जस्ट आउट ऑफ, वो रियल सम्मान है कि जो बिना पदवी, बिना भौतिक धन की, बिना किसी काम के आशा के किया जाता है वो वास्तविक सम्मान। लेकिन दक्ष क्या सोचा, शिवजी ने मेरे लिए खड़े नहीं हुए, उसके पीछे पड़ गया, शिव जी मेरे लिए खड़े, शिव जी ने मुझे सम्माने। अरे पास में ब्रह्मा जी तो बैठे, उन्होंने भी तो नहीं खड़े हुए, लेकिन क्योंकि शिव जी उनके लिए पराए थे, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी संबंधित। तो शिव जी की वैष्णवता को नहीं पहचान रहा है वो क्या कर रहा है, शिव जी क्योंकि उनसे संबंधित नहीं, ब्रह्मा जी को बोल नहीं सकते, ब्रह्मा जी तो संबंधित है, पिता है, ब्लड रिलेशनशिप, तो इसलिए वो सोचता है कि भौतिक देह को नमस्कार नमस्कार नहीं किया इसलिए सम्मान। और चूंकि शिव जी ने उसका भौतिक शरीर का आदर नहीं किया था इसलिए दक्ष को ईर्ष्या आ गई।
ऐसे व्यक्ति कभी भी शिवजी जैसी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के पद तक ऊपर नहीं उठ सकता, जो सदा इस प्रकार की ईर्ष्याओं में डूबे रहते हैं, इसलिए सदैव ईर्ष्यालु रहते हैं। यहाँ पर एक दिया गया उपयुक्त उदाहरण, उपयुक्त असुर राक्षस अथवा नास्तिक सदैव भगवान से द्वेष करते हैं। असुर राक्षस अथवा नास्तिक भगवान से सदैव विश्वेश रखते हैं, और वे उन्हें वे जब उनसे द्वेष करते हैं तो उनसे संबंधित हर व्यक्ति और वस्तु से द्वेष करते हैं। ये द्वेष प्रदर्शित नहीं होता कई बार स्पष्ट रूप से, और वे तो उन्हें ये तक है कि नास्तिक मतलब भगवान को मार डालो, भगवान का अस्तित्व खत्म कर दो, ये बार बार सम्मान की बात ही नहीं आएगी। इस युग में कुछ ऐसे तथाकथित विद्वान हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण भगवद गीता पर उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करते। क्यों करेंगे उल्टी सीधी? क्योंकि द्वेष है, पोजीशन को स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भाव मन भक्तों मत, मेरे में मन लगाओ, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त मनो मेरी शरण में जाओ, तो तथाकथित विद्वान कहते हैं अरे हम जिसके शरण में जाने जाते हैं वो व्यक्ति कृष्ण नहीं है, तो ये ईर्ष्या नहीं तो क्या, हम किसी और की शरण में जाएंगे, या हमें जिसके शरण में जाना है वो कृष्ण नहीं, हम क्यों जाए? क्योंकि भगवान थोड़ा स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति सोचता है भगवान तो अभिमान कर रहे हैं, मैं क्यों मानूं? ऐसा तो कोई बोलता नहीं व्यक्ति कि मेरा सम्मान करो, मेरा ध्यान दो, मेरी पूजा करो। ये जगत में इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो इस योग्य नहीं है, भगवान ही तो बोलेंगे कि मेरी पूजा करो, कोई और व्यक्ति कैसे बोल सकता है मेरी पूजा करो, कैसे बोल सकता है जब उसके पास उतनी शक्ति नहीं, जब उसके पास में तो वो कैसे बोल सकता है कि मेरी पूजा करो। भाई जो सत्य है वही तो बोलेगा, जो वास्तव में पूजा लेने योग्य वही तो बोलेगा। लोगों को याद है नहीं, इन्होंने मैं क्यों बोला मेरी पूजा करो, मेरे से मेरे भक्त बनो, तो लोगों को ये क्यों होता है एकदम ऐसा? अगर वो मैं नहीं बोले तो हम कर लेंगे पूजा, लेकिन वो मैं क्यों बोल रहे हैं? तो कृष्ण को सत्य भी नहीं बोलने दिया जाता, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। कृष्ण को सत्य भी नहीं बोलने दिया जाता तो किसकी पूजा करें, कृष्ण किसकी पूजा करें? अगर कृष्ण ही है पूजा लेने योग्य है तो कृष्ण किसकी पूजा बोले? कृष्ण बोले कि नहीं नहीं मुझे कोई अभिमान नहीं, आप किसी की भी पूजा कर लो, मेरे पास पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं है, वास्तविकता तो नहीं है। तो कृष्ण को डिप्लोमेटिक मतलब पब्लिक चाहती कि कृष्ण डिप्लोमेटिकली बोले, कुछ कुछ पॉलिटिकली बोले, स्पष्ट नहीं बोले कि मेरी पूजा करो। अगर कृष्ण ऐसा स्पष्ट नहीं बोलेंगे तो फिर तो संसार सबकी और की पूजा करने लग जाएगी। तो इसमें भी लोगों को नकारात्मक रवैया कि कृष्ण मैं क्यों बोल रहा, ये तो अभिमान का सूचक है, भौतिक जगत में अभिमान का सूचक है। यस, भौतिक जगत में अभिमान का सूचक, लेकिन कृष्ण भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है, कृष्ण अध्यात्म जगत के व्यक्ति। भौतिक जगत में आई 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 बोलना गलत है क्योंकि मिथ्या अहंकार को सूचित करता है, लेकिन कृष्ण को तो मिथ्या अहंकार नहीं है, कृष्ण को तो जो वास्तविकता वही है, तो भगवान है, तो भगवान बोलेंगे कि मेरी पूजा करो, नहीं तो गलत रास्ते पे चले जाओगे। अगर भगवान स्पष्टीकरण नहीं करे, एकदम क्लियरली नहीं बोले शब्दों में, तो लोगों को कंफ्यूजन ही रहेगा, और लोग चाहते हैं कि ये तथाकथित विद्वान चाहते हैं कि ये भ्रमित रहे जिससे हमारी भी पूजा हो जाए बीच में, नहीं तो ऐसे खाली कृष्ण की पूजा होगी। कृष्ण स्पष्ट बोलते तो हम भी तो बड़े आदमी, सब लोग हमको भी पूजा करना चाहिए। तो जिनका अहंकार मिथ्यांकार इतना ज्यादा होता है वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। स्पष्ट बात है कि कृष्ण से ईर्ष्या करने के कारण क्यों है, क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं मन मना भाव भक्तो मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में जाओ। भौतिक जगत में ऐसा कहना गलत है, क्योंकि भौतिक जगत में जो मैं शब्द आता है वो मिथ्या अहंकार के कारण है, लेकिन यहां तो कृष्ण को मिथ्या अहंकार नहीं है, झूठा अहंकार नहीं, कृष्ण को वास्तविक अहंकार, वास्तविक परिचय कृष्ण का ऐसा है कि उनको प्रणाम करना है। असुर अथवा नास्तिक जन बिना किसी कारण से भगवान से ईर्ष्या भगवान को शत्रु बना लेते हैं अपना, तो भगवान ने शत्रु नहीं बनाया भगवान के, लेकिन उन्होंने भगवान को शत्रु बनाया ईर्ष्या के कारण। ये मेरा हमेशा शत्रु है, हमेशा शत्रु।
इस प्रकार से मूर्ख जो आत्म साक्षात करके सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाते, उनको पता है कि वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे ऐसा, बाकी लोग तो ऑलरेडी आगे निकल गए हमसे आत्म साक्षात, उनको लगता भी हम तो हमेशा आगे रहते थे, पीछे रहने से क्या फायदा, बेटर है कि इस अस्तित्व को खत्म कर दो। तो यहाँ पे उतना स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किया गया है, अकारणी स्वरूप सिद्ध पुरुषों को सम्मान देने के बजाय उनसे ईर्ष्या करते हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए उससे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। तो कृष्ण से ईर्ष्या है मतलब कृष्ण से संबंधित हर चीज में ईर्ष्या, जब कोई व्यक्ति कृष्ण से ईर्ष्या करेगा तभी तो जाके वो कृष्ण से संबंधित सारी चीजें ईर्ष्या करेगा। अगर कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण से संबंधित हर व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रेम करेगा जो वास्तव में कृष्ण से संबंधित। जैसे कोई व्यक्ति किसी अपने संबंधी में बड़े से प्रेम करता है तो उसके बच्चे से भी प्रेम करेगा, नहीं स्वाभाविक रूप से वो है जिससे बहुत प्रेम करता है तो उसके बच्चे से भी प्रेम करेगा ऑटोमेटिकली। अगर उससे प्रेम नहीं, उससे ईर्ष्या करता है तो उसके बच्चे से भी ईर्ष्या करेगा। तो इसलिए कृष्ण से जो ईर्ष्या करते हैं वो कृष्ण से संबंधित व्यक्ति जो कृष्ण के प्रिय उनसे भी ईर्ष्या करेंगे। ये चाहे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं है लेकिन ये वास्तविकता। आगे 22वें श्लोक में बोलते हैं, प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनम् विधीयते साधु मिथासु मध्यसः प्राज्ञे परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयाय एव न देहमानि। हे तरुणी भारिये, अभी सती को बोलते हैं, हे तरुणी भारिये, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर उठ चुके हैं, जो दिव्य पद पर उठ चुके हैं, तो भौतिकतावादी को बोल रहे हैं कि संसार में ऐसा होता है, ठीक है मित्र और स्वजन एक दूसरे से खड़े होकर स्वागत नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते, किंतु जो दिव्य पद पर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देह अभिमानी पुरुष का नहीं करते। तो शिव जी बोलते हैं क्लियरली कि मैंने क्यों नहीं उसका उनका सम्मान किया। यहाँ पे अपना रियल कारण बता रहे हैं कि मैं तो उन्हीं के जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण मतलब बुद्धिमान होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा के करते हैं, देह अभिमानी पुरुष का नहीं करते। जो दिव्य पुरुष हो वो पुरुष को देखते नहीं कि ये नीचा ऊंचा है, वो परमात्मा का सम्मान कर। जैसे हम किसी भौतिकतावादी के व्यक्ति का बड़े प्रेम से बहुत सम्मान करेंगे और किसी जो उसके पास भौतिक उतना नहीं है, 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 है। उस प्रकार से हमारा दोनों अलग अलग नहीं। तो ये किससे हो रहा है, ये दोनों लैंग्वेज अलग अलग क्यों है, भौतिकता के कारण है। अब देखेंगे संसार में सबसे बोलने का स्टाइल अलग अलग रहता है। जस्ट भौतिक शरीर के आधार पर तो
यहाँ पर तात्पर्य में यहाँ पर तर्क दिए शिव जी बोल रहे हैं मैं इस बात पे नहीं करता, जो देवी पुरुष होते हैं वो परमात्मा के आधार पर करते, भौतिक शरीर के आधार पर नहीं करते, भौतिक स्टेटस के आधार पर नहीं करते, या बड़ा बूढ़ा बच्चा उसके आधार पर नहीं करते। इस संसार में भौतिक संबंध केवल भौतिक शरीर के आधार पर करते। तात्पर्य यहाँ तर्क किया जा सकता है, शिवजी के शसुर होने के नाते दक्ष का सम्मान करना शिवजी का धर्म था, तो यहाँ पे बता रहे कि शसुर होने के नाते शिवजी का धर्म था। इसके उत्तर में शिवजी कहते हैं, जब कोई विद्वान पुरुष सत्कार हेतु खड़ा होता है या नमस्कार करता है तो हरेक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है। शिवजी यहाँ संबंध को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा, शसुर हुआ तो क्या हुआ, शिवजी बैठे रहे। तो कोई बोल सकता है शिवजी इतना पंगा क्यों ले रहे, खड़े हो जाते। एक एक जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति क्या होता है, वो सोचता है कि किसी चीज का ऐसे हल निकल जाए, खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर धर्म की स्थापना कौन करेगा, अगर शिवजी खड़े हो जाते तो ये तो संवाद ही नहीं होता, ये भागवत में चैप्टर ही नहीं आता। तो लोगों को वास्तविकता सही क्या है वो तो हम भौतिक जगत में कुछ शॉर्ट करने, अच्छा ये नहीं तो ये करके ऐसा खत्म कर रहे, लेकिन नहीं उसको खत्म नहीं, वो धर्म क्या बोलता है। भगवान भी आते हैं शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से मार दिया, बोले 99 तक करूंगा सहन, 100 में मत कर दूंगा। वो बोलता है कि भगवान को क्या है, भगवान को क्या सम्मान और इज्जत का क्या है, 100 क्या, बोलता रहने देते शिशुपाल को, बोलते रहने। भगवान ने बोला नहीं। फिर शिशुपाल के उस वध के आधार पर भागवतम के युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं, उसके बाद आगे कई कैंटो कई चैप्टर के चैप्टर जो है उस आधार पर बनते। इनफैक्ट 7वां कैंटो, इसके बाद वो उसका वर्णन 8वां कैंटो आता, फिर 11वें कैंटो फिर आता, कई स्कंद जो है भागवतम के आधार बन जाते हैं। तो भगवान, क्योंकि भगवान को शॉर्टकट नहीं चाहिए, भगवान को क्या टाइम पास करने तो आते नहीं है, भगवान भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो शिव जी यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए आए तो खड़े नहीं हुए, दक्ष भौतिकता रूप से कितना भी महान व्यक्ति हो, चाहे मेरे ससुर हो, लेकिन आध्यात्मिकता में वो देख रहे हैं, जो आध्यात्मिकता में जो दिव्य पद पर उठ चुके हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ा इवन एस्कॉन के भी संत हो, बहुत कुछ हो, तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आ जाए तो उनके कर्तव्य में नहीं है समझदार कि वो खड़े, वो नवदो से उनको प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता में ये बड़ा है। तो उसके उत्तर में ये कहना है कि जब कोई विद्वान पुरुष सत्कार तो खड़ा होता है नमस्कार करता है तो वह हरेक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है, और यदि देखा जाता है कि वैष्णव में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करता है, नमस्कार करता है, क्योंकि वो नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाए। शिष्य पहले गुरु को नमस्कार करता है फिर गुरु भी उसको नमस्कार करता है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोचे कि अरे गुरु को क्या अपमान है, गुरु शिष्य को पहले प्रणाम दंडवत प्रणाम करते, कोई भौतिकतावादी पूछ सकता है ना भाई, ठीक है वो उम्र में बड़े हैं, जो शिष्य वो उम्र में बड़े हैं, गुरु उम्र में छोटा है, तो गुरु को पहले दंडवत प्रणाम करने में क्या प्रॉब्लम है, छोटा है तो। ये भौतिकतावादी बोल सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, क्या ये धर्म है। धर्म तो कहता है कि गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए और गुरु भी इसका अभिवादन करता है। भौतिकतावादी बोल सकता है नहीं, शिष्य तो उम्र में बड़ा है और गुरु उम्र में छोटा है, तो गुरु को शिष्य को दंडवत प्रणाम कर देना, फिर तो सब जगह अधर्म हो जाएगा, फिर तो आज्ञा पालन में भी हो जाएगा कि जो शिष्य है वो गुरु को आज्ञा देते क्योंकि शिष्य उम्र में बड़ा है, फिर गुरु को उसके शिष्य की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो भौतिकतावादी हर चीज को उल्टा पुल्टा इधर उधर उधर करके कि किसी तरीके से अपना रास्ता निकाल लें, लेकिन जो भगवान भगवान के भक्त या गुरुजन होते हैं वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, नहीं तो इन्हीं के ऊपर तो धर्म की जिम्मेदारी है,
अगर यही लोग धर्म नहीं बताएंगे, स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो फिर बाकी लोग क्या उलट पुलट उलट पुलट कुछ भी करके कुछ कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा। तो यदि देखा जाता है कि वैष्णव में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है, तो बदले में गुरु को नमस्कार करता है, क्योंकि नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाता है। फलतः गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करता है। पहले गुरु करता है, शिष्य करता है, उसके बाद श्रीमद् भागवत में भगवान करते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। ये इसका श्लोक भी है, इसमें शिवजी पार्वती से श्लोक कहते हैं भागवत, कि भगवान कहते हैं उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्त को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त अपने को शरीर नहीं मानते, आता है किसी भी वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है विष्णु को प्रणाम करना। वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है विष्णु को प्रणाम करना, क्योंकि वैष्णव को एक भौतिक जैसा नहीं प्रणाम किया जा रहा है। भौतिक व्यक्ति को नमस्कार, हेलो हाय कर दिए, लेकिन वैष्णव को प्रणाम करने का मतलब है विष्णु को प्रणाम करना। क्योंकि वैष्णव से बोलते हैं हम जनरली हरे कृष्णा, वैष्णव से हरे कृष्ण, तो वैष्णव को प्रणाम करना मतलब विष्णु को प्रणाम। भौतिक तरह का हलो है किया नहीं किया क्या, बहुत यहाँ पे वो डिस्कशन ही नहीं हो रहा। इनफेक्ट शिवजी ने तो उसको खड़े ही नहीं हुए दक्ष के लिए, क्योंकि शिवजी यहाँ पे आध्यात्मिकता को भौतिकता की तुलना में ज्यादा महत्व दे रहे हैं। शिवजी भी भगवान के गुण अवतार हैं, वो धर्म बता रहे हैं, नहीं तो कलयुग में जो है धर्म सारा उलट पुलट हो गया। चूंकि शिवजी कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अतः दक्ष को जो अपने आप को शरीर रूप मान रहा था उसको पहले ही परमात्मा के रूप में पहले ही वो तो सबको फिर नमस्कार करते हैं। अतः शरीर को नमस्कार अर्पित करने की अलग से आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी वैदिक आचार्य में ऐसा निर्दिष्ट, ये वैष्णव के लिए हो रहा है, लेकिन भौतिक संसार में हम कर देते हैं नमस्कार, ये कर भौतिक। देखिए शिवजी तो धर्म की स्थापना करने आए हैं, वो धर्म ही बताएंगे, वो सही बताएंगे, वो गलत में करेंगे नहीं, कंप्रोमाइज नहीं किया शिवजी, इसके कारण इतना बड़ा सारा झगड़ा हुआ और लंबे टाइम तक चला गया, जब तक कि दश का शरीर परिवर्तन नहीं हुआ, उसको बकरे का उसका मुंह हटा के बकरे का मुंह लगा दिया, तब जाके उसको समझ में आई कि मैं क्या अपराध कर रहा था। अभी तक बकरे का मुंह प्रदर्शित करता है भौतिकवादी मुंह, क्योंकि दक्ष को तो आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए भौतिकता बकरे का मुंह मतलब मैं तो इसलिए उसके लिए वो मुंह उपयोगी नहीं था, मनुष्य का मुंह उपयोगी नहीं था। अतः दक्ष जो अपने को शरीर मान रहा था उसको तो ऋषि जी वैसे ही नमस्कार कर चुके। सत्तम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम यदि यते यत्र पुमान पावृत सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव अहि अध्यक्षो में नमसा विधीयते। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार करता हूँ। कृष्ण भावना मृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिनी किसी प्रकार का दुरा अनुभव होता है। जीवात्मा शुद्ध रूप पर स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, जीवात्मा जो है स्वाभाविक रूप से 100% शुद्ध है। असंगो है पुरुष, लेकिन असंग के कारण, बुरे संग के कारण, बाल्यकाल से लेके अंत तक असंग के कारण जो है वे आत्मा भौतिक आसक्ति से दूषित हो जाता है। उसको बाल्यकाल से सिखाया जाता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं,
लेकिन फिर उसको बाद में समझ में आता है, जब वो भक्ति भक्ति की तरफ जाता है, अरे मैं तो शुद्ध था, मेरे को अशुद्ध कर दिया गया, अब फिर से शुद्ध होना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज की चेतना दूषित हुई नहीं, प्रहलाद महाराज की चेतना दूषित हुई नहीं, क्योंकि वे भौतिकतावादियों के संग में नहीं आए। जो ही कोई पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होता है, समझना चाहिए कि वो शुद्ध मूल स्थिति, स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह शुद्ध स्थिति सत्व शुद्ध कहलाती है, क्योंकि यह सत्व शुद्ध स्थिति शक्ति के प्रत्यक्ष वश में रहती है। इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। कोई एक शुद्ध सत्व शुद्ध स्थिति में पहुंच जाए, अनकंटामिनेटेड, प्रदूषण से दूर शुद्ध हो जाए, तो उसको संसार के कार्य करने नहीं पड़ेंगे। उसको संसार के कार्य क्रिया करने किए बिना ही सारी सांसारिक चीजें प्राप्त हो जाएंगी। उसको केवल भगवान के लिए कार्य करना, कार्य तो करना है, बहुत ज्यादा भी करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन भगवान के लिए कार्य। ऐसा नहीं कि वो मेहनत ही नहीं रहेगा, हो सकता है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट इसमें चल आ गया कि भौतिकता के लिए काम नहीं करना है, अब इंटरेस्ट आ गया कि एक आदमी के लिए कार्य करना है, वो है भगवान। तो व्यक्ति और एफिशिएंटली कार्य करता है और मन लगा के करता है। उदाहरण के लिए, जब लोहे की अग्नि में रखा जाता है, लोहा अग्नि में रखा जाता है तो गर्म और लाल हो जाता है। जब गर्म और लाल रहा तो वो स्वयं भी अग्नि के समान हो जाता है। इस प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रभावित होती है, तो तांबे की भांति कार्य नहीं करता, तो बिजली को ले जाने वाला होता है। इसी प्रकार से जो भगवान के लिए कर्म करता है, वो भगवानमय हो जाता है। अगर तांबे के वायर में बिजली को फ्लो, तांबे का वायर आप उसको छू सकते हैं आराम से, लेकिन जब उसमें बिजली प्रभावित होने लगेगी, हाथ लगाएंगे तो नहीं लगा सकते उसमें, तब वो बिजली का गुण आ गया उसमें। तो क्यों नहीं, जो व्यक्ति भगवान के कंटिन्यूस संपर्क में, वो भगवान के समान गुण आ जाएंगे उसके। जब भौतिक जगत में देखते हैं कि लोहे को अग्नि में रखा जाता है और तब क्या पूरा लोहा लाल हो गया, उसको बाहर निकाला जाएगा, तो उससे आप कुछ भी चीज जला सकते हैं आराम से, क्योंकि लाल है अभी, उसको कागज रखेंगे कागज जल जाएगा, क्योंकि अभी लोहे में अग्नि का गुण आ गया, अग्नि के संपर्क में। ऐसे ही तांबे में, कॉपर में जब करंट बहता है, कॉपर वैसे हाथ लगा लो आप उसको, लेकिन कॉपर में जब करंट बहने लगता है, तो आपको कौन सा गुण मिलेगा? कॉपर वाला नहीं मिलेगा, बिजली वाला झटका लगेगा। तो जब ये दोनों चीजें भौतिक जगत में होती है, तो फिर कोई व्यक्ति भगवान के जो संपर्क में है, वो भगवान जैसा क्यों नहीं हो गया? भगवान नहीं बना, गुरु और उसकी बात करें, भगवान जैसा क्यों नहीं हो गया? क्यों नहीं हो सकता संपर्क में रहने के कारण? तो भगवत गीता में भी पुष्टि हुई कि जो भगवान की अमिश्रित भक्ति करता है शुद्ध, वो तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है, भगवान नहीं बनता, भगवान जैसे गुण प्राप्त कर, भगवान कोई बन नहीं सकता। यस्यास्ति भक्तिर भगवत गुण, उनके गुण प्राप्त कर लेते। जो जो जिसके जिसके संपर्क में रहेगा, संपर्क मतलब जिसको जिसको वो जिसका जिसका संग करेगा, संग मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान और विचारों की आसक्ति। जैसे कई बार लोगों को मूवी देखते देखते समझ करो किसी फिल्म एक्टर शाहरुख खान से आसक्ति हो गई, तो देखेंगे कि आप अपनी हेयर स्टाइल भी वैसी रखेंगे, चलने की स्टाइल वैसे रखेगा, सब कुछ रखेगा, क्योंकि उसकी आसक्ति भी तो उसके सारे गुण वो वैसा वैसा उसको कॉपी करेगा, बोलचाल की लैंग्वेज भी वैसी हो जाएगी। हम अगर किसी कोई व्यक्ति किसी स्लम एरिया में रहे, तो चाहे अच्छा व्यक्ति भी हो, लेकिन अगर स्लम एरिया में
एक दूसरे को अगर गाली देके बात की जाती है, या स्लम एरिया में जैसे कोई दूर दूर से चिल्लाते हैं ऐसी, तो वो स्लम एरिया का गुण आ जाएगा। तो जिसका जहां जहां जैसा जैसा है संगत, संगत मतलब फिजिकल नहीं, मेंटली, जिसका जिसका जैसा संगत रहेगा, जिसके जिसके साथ आसक्ति रहेगा वैसा गुण हो जाए। फिल्म एक्टर में देख, एक्टर हुआ है, कोई एक्ट्रेस हुआ, सब लोग वैसा कॉपी करने लगते। क्रिकेटर हुआ, अगर वो उसको लाइक करते हैं तो उसकी हेयर स्टाइल कॉपी कर लेते। ये है भौतिक आसक्ति का परिणाम। उसी प्रकार से जो भगवान से आसक्ति करेगा भगवान की बन पाता। अगर आसक्ति है तो सीधे सीधे एग्जाम्पल है, तो जो भगवान की अमिश्रित भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति करता है बिना किसी मिक्सिंग के, तुरंत शुद्ध ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लेता है। माम चयो व्यपचारिणे भक्ति योगे न सेवते स गुणान संतीताते इत्याते ना ब्रह्म भुआए कल्पते। ये भगवान के साथ आसक्ति करने का उनका एसोसिएशन लगा। हमारी चॉइस है कि हम कौन से गुण प्राप्त करना चाहते हैं, कौन से गुण प्राप्त करना चाहते हैं। उसी में अगर उसके बारे में ही भगवान के गुण प्राप्त करना, भगवान के बारे में सोचना विचारना, बजाय किसी भौतिक व्यक्ति के बारे में चिंता करना सोचना विचारना, भगवान के बारे में भगवान के गुण आ जाएंगे। जिस भौतिक व्यक्ति के बारे में सोचेंगे विचारेंगे उसके गुण आ जाएंगे। कहा तो ये बोला था कि मृत्यु के बारे में जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसको अगला शरीर वैसा प्राप्त होता है। इस जीवन में जिसके बारे में सोचेंगे, जिसके बारे में चिंता करेंगे, जिससे आसक्त रहेंगे वैसे गुण आ जाएंगे। शुद्ध भक्ति में मनुष्य, जैसा कि श्लोक में कहा गया, शुद्ध सत्व दिव्य पद है जो पारिभाषिक रूप से वसुदेव कहलाता है। वसुदेव पुरुष का नाम भी है जिससे कृष्ण प्रकट हुए। वसुदेव कृष्ण के पिता भी वसुदेव है, कृष्ण वासुदेव है, ये वसुदेव है। श्लोक बताता है शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है। शुद्ध वैसे शुद्ध स्थिति को वसुदेव कहते हैं, हालांकि कृष्ण के पिता का नाम ही वसुदेव है, लेकिन किसी भी शुद्धतम स्थिति जो है वो वसुदेव स्थिति, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वासुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः हम अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियम को पालन करना चाहिए। अमिश्रित भक्ति के लिए किसी सकाम कर्म या मानसिक कल्पना के द्वारा नहीं, या भौतिक लाभ की आकांक्षा से भौतिक लाभ के इच्छे बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर, शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर कृष्ण की सेवा करता रहता है। कोई कारण नहीं कृष्ण की सेवा करने का, लेकिन क्योंकि कृष्ण से प्रेम इसलिए सेवा करता रहता है। उसको बाधा नहीं मानता, उसको बर्डन नहीं मानता कृष्ण की सेवा। अगर वो कृष्ण की सेवा को बर्डन मानता है, इसका मतलब है कि किसी और सेवा में रुचि है उसकी, जो सेवा से बड़ी। क्योंकि हर मनुष्य को अलग अलग प्रकार की सेवा में रुचि आता है। किसी को किसी वस्तु की सेवा, किसी को कुत्ते की सेवा करने में आनंद आता है, किसी को बिल्ली की सेवा करने में आनंद आता है, किसी को किसी बर्ड की पक्षी की सेवा करने में आनंद आता है, पक्षी को पालना, कुत्ते को पालना, बिल्ली, उससे में आनंद आता है। किसी को किसी व्यक्ति के संबंधी की सेवा करने में आनंद है, किसी को मित्र की सेवा करने में आनंद है, किसी को संतान की सेवा करने में आनंद है, किसी को माता पिता की सेवा करने में आता है, किसी को और संबंधियों की सेवा करने में आता है, किसी को भगवान की सेवा करने में आता है। इसके अलावा जिसमें आनंद, अगर उसको कोई दूसरी सेवा करेंगे तो उसको उसमें उतना आनंद नहीं आएगा। वो सोचे कि कब ये चीज खत्म हो,
जैसे कोई व्यक्ति बिना बुलाए मेहमान आ जाए, कभी जाए, इंटरेस्ट नहीं हो, हमें उसकी सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कोई ऐसा मेहमान आ जाए जिसको हम लाइक करते हैं तो उसकी सेवा करने में हमें इंटरेस्ट। तो यहां पे जो बोला गया है कि अगर किसी को भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है अकारण तथा बिना इसकी रुकावट के, अपना करते करते आनंद आ रहा है, एक तो हमें सेवा करते हैं ठीक है एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं भगवान की, बट उसको बिना किसी रुकावट के भगवान मानकर सेवा कर रहा है अकारण, तो ये शुद्ध भक्ति, यही शुद्ध सत्य वासुदेव कहलाता है। क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। अगर हमारे भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है तो इसका मतलब हर प्रकार की भगवान की सेवा में आनंद आएगा। लेकिन अगर हमें भौतिक सेवा में आनंद आ रहा है तो फिर भगवान की सेवा में वॉलंटरी नहीं होगी, इनवॉलंटरी हो जाएगी। श्री जी गोस्वामी ने अपने भक्ति भगवत संदर्भ में इस वासुदेव वसुदेव का शुद्ध अथवा शुद्ध तत्व सत्व का अत्यंत मनोहरी वर्णन किए हुए बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे 108 जोड़ दिया जाता है। गुरु के सामने जो अष्टोत्तर सत बोला जाता है 108, वो ये सूचित करता है कि शुद्ध सत्व वसुदेव की दिव्य स्थिति में है। वो 108 या 1008 लिखते हैं। उसका वो सूचित कहता है कि वो शुद्ध सत्य वासुदेव की स्थिति में। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है, उदाहरण वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी, सूर्य भी वासुदेव शब्द कहलाता है। भले वासुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयोग करें किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो वासुदेव अवस्था में व्यक्ति या जो वासुदेव है समझे के जो वासुदेव को देखते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत कम होते। इस प्रकार से हम ये यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं कि चूंकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर स्थित रहते हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम को सदैव नमस्कार करते हैं, मैं दक्ष को क्यों नमस्कार करूं। भौतिकतावादी बोलेगा आपको नमस्कार करने में क्या प्रॉब्लम है, कर देते हैं। शिव जी बोल रहे क्यों करूं मैं, भगवान और परमात्मा को नमस्कार करता हूं, उसके अंदर परमात्मा बैठे, परमात्मा को मैंने ऑलरेडी नमस्कार कर दिया, तो जब प्रवेश किया उसके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार कर दिया। अगर वो चाह रहा है मैं उसके शरीर को आदत दूं तो शरीर तो उसका भौतिकतावादी, तो इसलिए यहाँ पे ये तर्क हो रहा है शिव जी को धर्म स्थापित करें और दक्ष को दंड मिलेगा। कि भौतिकता के बेस पर किसी का आदर सम्मान कम या ज्यादा नहीं। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।